असल जी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है माली अबर की कारियों और उनके सोलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे लेकिन इसी दौरान अदाकारा के ये कहना कि वो रातों को सो नहीं पाती हैं और उसकी वजह मैं हूँ या फिर कुछ और रिपोर्टर्स हैं जर्नलिस्ट हैं या मैदी अली काजमी है जो जुर्लू फेर रहा है या फिर और सारे मामलाते हैं जो कि उनके पल्ले पड़ गए हैं रसीदे निकल आई है या इनके वो गल्ले में से उनका हाथ पकड़ा गया पैसे शैसे बुटोरते हुए वो दूसरा तीसरा रसीदे बहुत सारा रोला पड़ा हुआ है और जब आप उनके देखते हैं जाहरी सूरत वीडियोज़ कम का अज़ कम हम तो देखते हैं बड़े शौक से देखते हैं खुशी से देखते हैं और जब आप उनकी वीडियोज देखते हैं तो वहां पर उनके चेहरे की हड्डियां निकली हुई हैं जब वो बातचीत करती हैं तो उनकी मुस्कुराहट पूरी तरह से हो नहीं पाती एक अजीब सा एक समा बन जाता है उनकी गर्दन की नसें फूलना शुरू हो जाती हैं सांस फूलना शुरू हो जाती है गुस्से में वो एक काले कलर का एक अजीब सा कंप्लेक्शन देती हैं जिससे एक खौफ सी समा पैदा हो जाती है और उसकी बुनियादी वजह अदाकारा ने दिया है कि मर्ज है से वो गुजर रही हैं और वो रातों को सो नहीं पाती और यह मैदी था जो खड़ा हो गया उसके बाद हम देखते हैं और उनकी जाती बातचीत करवाकर यह टारगेट करवाने की कोशिश की जा रही है यह वहील्ड प्ले बुक है जो हमेशा हमेशा से पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माशरे में इस्तेमाल की जाती है जब भी आपने किसी को डराना है किसी को दबाना है किसी को खौफज़ादा करना है किसी को अपने ऊपर बात करने से रोकना है तो आप दो तीन चीजें कर सकते हैं अखिलाफ तो पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाता अगर वो खातून है तो आप उसे सेक्स के साथ जोड़ दें आप उसकी जातीयात पर बातचीत करना शुरू कर दें आप उसे ये कह दें कि ये फ्लां मर्द में इंटरेस्ट है फलाम मर्द के साथ इसके ताल्लुक थे या इसके जिसम के कपड़े ऐसे थे फ्लां थे डिमकान थे ये पाकिस्तान में होता हो और अगर कोई मर्द है तो आप उसे हो से जोड़ते हैं आप उसे पतला होने का मोटा होने का ताना दे देते हैं या फिर आप उसे ट्रांसजेंडर कहकर पुकार देते हैं यानी कि बुनियादी तौर पर यह वही ओल्ड प्ले बुक है जो 1970 के दहाई में इस्तेमाल होती थी कि आप किसी की करदारकशी कर, कर आप समझते थे कि वो बंदा भाग जाएगा या छुप छुप जाएगा या खामोश हो जाएगा और ये वही चीज है जो अदाकारा और जो इनके हवारी है ये जो सारा लुगड़ खाता इन्होंने जोड़ रखा है उन सारे लुगड़ खाते की दुम को आग लगा गया है और उन्हें तपे तबे पर सबको बिठा गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गालियां वापस में दी जाएं, वो पूरी कोशिश करें कि ये लोग भी उस गलाजत पर उतर आए लोग तहमुल है मैरिन सिप्त डिसेंटली रिपोर्ट कर रहे हैं बाकी सारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं करदारकशी कर करके कर कर इनकी जान निकल गई है गालियां दे देकर इनकी जान निकल गई है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा कुछ हो नहीं रहा लोग पीछे हट नहीं रही उनका ताकुब कर रहे हैं मजीद इन्हें घुमा घुमा कर जुर्ू दिए मारे जा रहे हैं ही इनकी फिरी हुई अदाकारा का भुरकस निकला जा रहा है पच्चीस किलो वजन लूज हो गया है मजीद दो किलो मेरे ख्याल में एक दो दिनों में गिरा है जब से मैरिन सिप्तन ने कुछ बातें करना शुरू कर दी है तो सत्ताईस किलो ऑलरेडी बिचारी का वजन गिर गया है और उसके बाद एक एक स्टैचू का आ, सा, आ, उनकी शख्सियत होती जा रही है आ, खुद पर जुलम करती जा रही है जितनी गालियां दिलवाती हैं उतनी ज्यादा बेहतर और मौसर रिपोर्टिंग होती है जो कि जहरी और शबीरा के लिए अजाब बन जाती है और जब शबीरा किसी भी तरह की गिरफ्त में होता है किसी भी तरह की मुसीबत में होता है तो अधाकारा की रात की नींद गायब हो जाती है और उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरिन सिप्तैन को टारगेट क्यों कर रहे हैं मेरिन सिप्तैन कौन सी कीमत है जो अदा कर रही है बुनियादी तौर पर आप मेरिन सिप्तैन के सिर्फ आउटलुक पर ही जाएं अपॉप्टिक्स पर जाएं तो उनके दिखावे से ही वो एक महजब खानदान की और एक मजहबी खानदान की खातून महसूस होती हैं और उनकी मजहब के ऊपर या रिलीजन के ऊपर बड़ी डिटेल स्टडी है जो उनकी बातों से भी दिखती है और जो कि बड़ी ऑथेंटिक वो वो मजहब को लेकर बहुत सारी रवायात या बहुत सारे जो अहकाम हैं या फरमादात हैं वो हम सब के सामने पेश करती हैं या रखती रहती हैं मैदी अली काजमी की बेटी के केस के हवाले से मैरन सिप्तन ने एक नई एनालिसिस एक नई फिकर और एक नई सोच सामने रखी और उन्होंने कहा कि जब आप तमाम तर मकाबी फिकर जो तमाम तर मजहबी मकाबी फिक्र हैं या जो मुख्तलिफ इमाम हैं या फिर उनकी स्टडीज या मुख्तलि मशा कराम की स्टडीज को पढ़ते हैं तो वली के बगैर तो निका हो ही नहीं सकता यानी किसी भी कम्यूनिटी में आप चले जाए तो बगैर वली के निकाह मुमकिन नहीं है कि आपकी माइनर जिसका सरप्रस्त ना हो जिसका वालिद ना हो जिसका बड़ा भाई ना हो और आप उसका निकाह कर दें तो यह कैसे मुमकिन है कि आप पुलिस के अंदर जो दो नंबर खामियां हैं आप उसका इस्तेमाल कर लें या फिर आप जुडिशरी के अंदर हमारे कानून के अंदर जो लेक्यूनाज है आप उनका इस्तेमाल तो कर लें लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि आप एक इस्लामी रियासत के बसिंदे हैं आप एक मजहबी रियासत में रहते हैं और वहां पर आकर आप वली के बगैर अपनी बच्ची का निकाह नहीं कर सकते बच्ची की शादी नहीं कर सकते और जो ही मैरिन सिप्त का ये पॉइंट ये आर्ग्यूमेंट उठाना था और इसके ऊपर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ से डोल शुरू हो गए उसकी पर बातें उसके माजी के ऊपर बातें उसकी फैमिली के ऊपर बातें अपने हस्बैंड के साथ उसका ताल्लुक जोड़ने की बातें और इसके बाद जी सर्दियां आ रही हैं वो सोना चाह रही हैं वो पता नहीं सुकून लेना चाह रही हैं किस तरह के अजीब व गरीब बातें इन्होंने करना शुरू कर दी हैं और ये वही ओल्ड प्ले बुक है जिसकी जद में ना सिर्फ मैरिन सिप्तन मैरिन सिप्तन भी नहीं आएंगी ना मैं आऊंगा ना बाकी कोई और जर्नलिस्ट आएगा और आपसे ये वादा भी करते हैं कि जितनी ज्यादा ये गालियां देंगे हम वापस गालियां तो नहीं देंगे लेकिन तत्ते तवे के ऊपर इन्हें जरूर बैठाएंगे और आपको महसूस होगा जो जो आपको महसूस हो कि ये तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए तब समझ जाइएगा कि मैदी अली काजमी की टीम मजीद तगड़ी हो गई है आप लोगों ने मजीद इस केस में जान डाल ली है ख्याल रखिएगा अपना अल्लाह हाफिज